सलमान वाज हेयर विद अनदर वीडियो ऑन डे 9 ऑफ 300। सो गाइस, अब चूंकि हमारी बेसिक क्लियर हो चुकी हैं और हमारी कुछ और एक्सरसाइज, जैसे कि लोअर बॉडी की मैंने एक्सरसाइज बताई थी जिससे आप जंप अपने इम्प्रूव कर सकते हो, तो अब बारी है अपर बॉडी की। क्योंकि अगर आप अपर बॉडी में वर्क नहीं करोगे तो पार्कौर करने से आप बिल्कुल तीले हो जाओगे। तो अपर बॉडी एक रेगुलर आपकी एक्टिविटी होगी जिसको परफॉर्म करके आप अपनी एब्स और एब्स से ऊपर की सारी अपर बॉडी को फिट करेंगे। नहीं तो भाई बात वही आ जाती है कि पार्कौर कर करके आप अपनी इतनी कैलोरीज बर्न कर लोगे कि आप अपने आप को बिल्कुल वीक कर लोगे। तो आपने अपने आप फिजिकली तो स्ट्रांग होंगे लेकिन कह लेंगे दिखने में स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आपने दिखना भी है अच्छा। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत फिट हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाकिस्तान की जितनी भी कम्युनिटी है ना पार्कौर की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फिजिक है वो बॉडी बिल्डर जैसी है। क्यों? क्योंकि मैं पहले दिन से जब से पार्कौर कर रहा हूं, कैलिस्थेनिक भी साथ साथ कर रहा हूं, तो बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। ना ज़्यादा लंबी वीडियो बना रहा हूं, ना ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ बता रहा हूं। अब बेसिक एक्सरसाइज हैं, क्या क्या करना है, कितना कितना करना है मैं बता देता हूं। इससे पहले बताता चलूं कि वो चार एक्सरसाइज हैं जिनसे आप अपनी टांगों का जंप बेसिक लेवल बढ़ा सकते हैं, उसका लिंक ऊपर मैं दे रहा हूं, वो लाजमी देखिएगा। अब हमारी नौवीं वीडियो है और आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमारा वो दमूसा वापस आ गया, वो जो हमारी वीडियो के अंदर आता था, ठीक है। ये हमारा वो स्टूडेंट गायब था, इसी वजह से हमारा जो ये प्लेलिस्ट है वो स्लो जा रही है, ठीक है। अब वापस आ गया ये बात है। तो गाइस बताता चलूं, अपर बॉडी को किस तरह से करना है पहले वो बताता हूँ। जब आप पार्कौर कर लेंगे ना कंप्लीट, वार्म अप किया, सबसे पहली चीज़ वार्म अप के बाद आपका वो परफॉर्मेंस जो पार्कौर की आप करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस है या चाहे वो आपकी एक्टिविटी है, वो करने के बाद आपने आना है अपर बॉडी की तरफ। अपर बॉडी में आपने कि अपर बॉडी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ इंप्रूव नहीं करते, यानी कि कुछ स्किल्स नहीं सीखते, खैर है, लेकिन आपने इसको फिटनेस के तौर पर करना है, ठीक है। इसमें क्या है, आपने कुछ चिनअप्स आएंगे, कुछ आपके आ जाएंगे पुशअप्स आ जाएंगे, और कुछ पेट की एक्सरसाइज आ जाएगी, बाकी लोअर की आपकी हो रही है। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक दिन लेग डे रखेंगे तो और इम्प्रूव होगा आपके लिए। लेग डे लाजमी हफ्ते में, वही जो एक्सरसाइज मैंने बताई है ना जंप की, वो आपने हफ्ते में एक दिन रखोगे तो वो और बेहतर होगा। लेग डे आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, लेग डे को पूरा पूरा टाइम देना है, लेकिन अपर बॉडी को डेली बेसिस आसान तरीका। अब सबसे पहला बताता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 5 चिनअप्स, 5 पुशअप्स और 10 या 20 पेट के सेट, इस तरह के 3 सेट लगाने हैं एक सांस में, बस कंप्लीट। अब कहते हैं ना मगरों लाने वाला साहब, तो आपने अपने इस एक्सरसाइज को अपर बॉडी की ख़त्म करना है जल्दी से। यानी कि आपने फ्लिप्स कर ली, पसीने पसीने हो गए, बहुत फ्लिप्स कर ली, अब आपकी बारी थी ट्रेनिंग करने की। आपने क्या करना है, 5 चिनअप लगाए, 10 फौरन 5 पुशअप लगाए, फिर 10 पेट के सेट लगाए, फिर सांस हल्का सा सांस लिया, फिर उसके बाद 5 चिनअप, 5 पुशअप और 5 10 पेट के सेट, इस तरह से आपने करना है। 5 चिनअप, 5 पुशअप और 10 पेट के सेट लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो किस तरह से करना है। और फर्दर ये बताता चलूँ, तो गाइस तेन गुजर रहा था जिसने वीडियो रुकवाई है, तो गाइस बता रहा हूँ कि करना क्या है आपने। आपने क्योंकि अपने हर मसल को एंगेज करना है, तो आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जब आप बार पर चढ़े हैं तो आपने, अच्छा मेन जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वर्ल्ड में, और चाहे वो अपर बॉडी की है, चाहे लोअर बॉडी की है, चाहे जितना भी परफॉर्म करें, आपने इस शोल्डर डिस्टेंस को कभी नहीं भूलना। ये शोल्डर डिस्टेंस हमारा सबसे नेचुरल कह लें कि वेपन है जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो आपने सबसे पहला जो पकड़ना है बार को, वो शोल्डर डिस्टेंस पे, पुशअप भी शोल्डर डिस्टेंस पे लगाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वाइड एंगल करना है चिनअप्स में भी, और वाइड एंगल करना है पुशअप्स में भी, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा लगा सकते हैं, या तो आप शोल्डर डिस्टेंस पे ये चिनअप लगा लें, इसे चिनअप कहते हैं और इसे पुलअप कहते हैं। पहले 2 सेट पुलअप के लगाने हैं, वाइड में भी और क्लोज में भी, लेकिन फिर एंड पे या तो आप पुलअप लगा लें करीब करके, क्योंकि आपसे चिनअप थोड़े शायद डिफिकल्ट हो जाए, ये शायद अगर लगते हैं तो चिनअप लगा लें, तो थोड़े से वाइड एंगल करके चिनअप लगा लें। उसके बाद पुशअप में भी क्लोज एंगल में आपने एक सेट लगाने की कोशिश करें, चाहे वो डायमंड हो जाए, चाहे वो इतना सा डिस्टेंस हो जाए। तो इसी तरह पेट से मैं एक एंगल आपको करके दिखाता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि तीनों में एक एक एंगल कर दूँ, तो आप सामने आ जाओ। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूँ चिनअप की, तो मैं सबसे पहले शोल्डर डिस्टेंस को प्रेफर करूँगा। आपने शोल्डर डिस्टेंस पकड़ा, ठीक है। फिर बताता चलूँ, बाद में काट रहा हूँ, कि यार क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आप एक चिनअप को अगर 1 मिनट में लगाओगे ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि आप भाई धड़ाधड़ 100 लगा लो। इसलिए जो है क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी। अब देखो कितनी क्लीननेस के साथ मैं चिनअप लगाऊंगा, ओके। ऐसे कंप्लीट होता है ना, ये नीज बेंड हो ना, ये मतलब बॉडी स्टेट पूरी बाजुओं से ऊपर जाए और बाजुओं से नीचे आए, जिसम के दोनों को छोड़ दो, 2 लगा लो, ऐसे 3 पे जाओ, ऐसे 4 पे जाओ,
बेहतर लगा लो। अब ये चिन अप के ये मैंने नॉर्मल एंगल पे, अब वाइड एंगल फिर क्लोज एंगल, वाइड एंगल भी बहुत वाइड नहीं करना, ठीक है, वाइड एंगल पे ठीक हो गया। अब फुल क्लोज एंगल, क्लोज एंगल में आप इस तरह कर लो या क्लोज एंगल छोड़ के इसका चिन अप लगा लो, क्योंकि मैं तीसरे सेट में हमेशा चिन अप लगाता हूँ मैं, क्योंकि क्लोज एंगल मेरी कलाइयों में दर्द होती है मेरी ना, असल में रिस्ट में दोनों डैमेज है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चिन अप लगा लेता हूँ वाइड एंगल में थोड़े से ना, जो नॉर्मल एंगल। अब देख सकते हैं मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल ऊपर जा रही है। अब मैं पुशअप की तरफ आता हूँ, पुशअप की तरफ आता हूँ, ठीक है, एंगल सारा जरूर क्लियर नजर आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा आ जाओ ज़रा। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, वही शोल्डर डिस्टेंस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेरी बॉडी के एंगल देखिएगा, ये देखिए बॉडी जा रही नीचे, ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, मैं खुद अपने आप को पीछे किया, ठीक है। अब उसके बाद वाइड एंगल है, वाइड एंगल इसमें भी बहुत ज़्यादा वाइड ना हो यार, ठीक हो गया। अब उसके बाद गाइस वाइड एंगल जो भी एक्सरसाइज वाइड एंगल में होती है ना, वो बेसिकली होती है चेस्ट के लिए। तो यार चेस्ट फजूल, जिस्म का फजूल एलिमेंट है, जिस्म की फजूल मसल है, सिर्फ दिखावे के अलावा इसका कोई काम नहीं है। आप जितने भी नेचुरल बॉडीज वाले और कटिंग वाले लोग देखोगे, मार्शल आर्ट्स इस तरह के लोग देखोगे, उनकी चेस्ट शेप में ज़रूर होगी लेकिन बड़ी नहीं होगी। सो ये चीज़ अपने जहन में डाल लें कि ये फजूल मसल है, इसको हमने बिला वजह बड़ा नहीं करना। अब क्लोज एंगल में दो तरह से पुशअप लगाता हूँ जो आपसे लग सके। नंबर वन में लगाता हूँ ये डायमंड, ठीक है। डायमंड में क्या करना है कि थोड़ी सी बॉडी आगे रख के ये आपकी ट्राइसेप पे प्रॉपर दौर आना चाहिए, ठीक है। ये ट्राइसेप का है, जेर में रखिएगा। इसमें अगर आप ये करना मुश्किल है, इस तरह क्लोज एंगल कर लें या अंगूठों को आपस में जोड़ लें, ये क्लोज एंगल कर लें, ओके। तो गाइस ये आपके हो गए पुशअप एंड चिन अप, और अब आपकी बारी आएगी पेट की एक्सरसाइज की। मैं सोच रहा हूँ कि पेट की एक्सरसाइज पर ना एक अलहदा वीडियो बना दें, क्या कहते हैं गाइस? फिर भी मैं आपको आपके लिए कुछ एक्सरसाइज बता दूँ, क्योंकि यार चिन अप पुशअप मेन चीज़ तो यही है, इसमें एंगल्स का फ़र्क आता है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज तो इतनी ज़्यादा है कि उसमें एंगल्स का भी फ़र्क आता है और तरीका कार का फ़र्क आता है। पेट की एक्सरसाइज चलो दो तीन बता देता हूँ मैं। नंबर वन, तीन क्योंकि तीन है, तीन बता। नंबर वन, ऐसे हाथ रखे वाइड एंगल पे और ये, ठीक है, यहाँ से चेस्ट क्रीप करनी है, वहाँ से लेग्स क्रीप करनी है, ये ठीक है। नंबर वन ये हो गई। नंबर टू, आप नंबर टू में आप किसी को नंबर टू ये वाली कर लें, ये मदर ऑफ एक्सरसाइज है पेट की। यहाँ से आए ऊपर को जाना, ये देखिए टांगे करीब ला के टांगों की तरफ नहीं जाना, ऊपर जाके और ऊपर को जाना है, ये ठीक है, ये पेट की एक्सरसाइज दो हो गई। और तीसरी मेरा ख्याल है आपको लेग रेजिस थोड़ी सी, ये भी एक्सट्रीम है, लेग रेजिस एक्सट्रीम हो जाएगी, हम साइकिल कर लेते हैं, साइकिल वाली कर दी, ये थोड़ा सा ये करके थोड़ा सा नीचे रहना, ठीक है, और साइकिल ये पूरी टोज के साथ साइकिल नहीं मतलब चलाता, वैसे साइकिल चलाएं हम, ओके ठीक है गाइस। तो गाइस ये अपर बॉडी की वो एक्सरसाइजेज हैं कि अगर आपने बेसिक से ही स्टार्ट ना की, मसला क्या आएगा, आप अपनी कलाइयों के जोड़ों को कमज़ोर कर लेंगे, आप अपने बाइसेप ट्राइसेप को कमज़ोर कर लेंगे, क्योंकि ये गेम अगर आपने सीखनी है आपने गिरना ज़रूर है, गिरे बगैर भी गेम नहीं सीख सकते, और अगर गिरेओगे चोट लगवाओगे, तो आपने अपने आप को बचाना है, बचोगे कैसे यार, आपके मसल स्ट्रांग है ना, आप गिरो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए पहले मसल को स्ट्रांग करना, ये तो नेचुरल बात है यार। एक तो हम वो गेम सीख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की है, और हम कहें कि हम बगैर इंजरी के सीख लें, इम्पॉसिबल। अभी आपने पिछले दिनों में मेरी एक वीडियो देखी होगी, लिंक ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ, जिससे मैंने 18 केजी के साथ बैकफ्लिप की है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैकफ्लिप तो कर ली, लेकिन मेरे पाँव में बहुत बुरी इंजरी हुई है, तो मुझे पता कैसे हो सकता है। तो गाइस हमने अपने मसल को इसलिए स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं ऐसे गिरूँ ऐसे गिरूँ, मेरे मसल में इतनी जान हो कि वो इस चीज़ को बियर कर सके, तो ये मेन टारगेट है। तो हमने अपर बॉडी की ट्रेनिंग नहीं छोड़नी, जिस तरह से हफ्ते में एक दिन लेग डे, हर गेमर दुनिया का जो भी है वो लेग डे को इग्नोर नहीं करता, लेग डे करता है, उसी तरह से हमने अपर बॉडी की डेली ट्रेनिंग करनी है। तो ये इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ही है। तो आज 9वां दिन हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद 10वां दिन है, तो 10वें दिन से दोबारा से हम अपना हुसैन लंबू पे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। वो देखे वो बैठा हुआ था, पुशअप पे चला गया एवं,
तो इस पर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे गाइज, तो इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतरी होगी। तो सो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और उम्मीद है आप इन वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे होंगे। तो कहता चलूँ गाइज, प्लीज़ अपना भी थोड़ा सा लव हमें शो करें ताकि हम अपनी ड्यूटी को यूँ ही निभाते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।